ओम शांति। शरीर का नाम कल्याणचंद है और बचपन से ही भक्ति मार्ग में मेरे को काफ़ी शौक था, बड़ी लगन थी परमात्मा से मिलने की। तो 18 साल की उम्र में मैं दिल्ली में 2 महीने के लिए गया था, तो प्रदर्शनी वहाँ पे लगी हुई थी तो मैंने वो देखी। फिर वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर उसके बाद फिर मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ, ना ही मैं खोज भी कर रहा था कि मुझे ये ज्ञान दोबारा मिले, परंतु मुझे कोई भी वहाँ पे नहीं मिला। फिर थोड़े समय के बाद 1977 में मैं किसी कार्य के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था, तो वहाँ पर हमारे हॉस्टल के साथ ही 19 सेक्टर में ब्रह्मा कुमारी एक आश्रम था, तो वहाँ पर मुझे ज्ञान मिला। उसके उपरांत मैं धर्मशाला आ गया, यहाँ पे उस वक्त से चलता रहा। तो 1980 में अकेला मैं मधुबन गया, वहाँ पे बड़ी दादियों से मिला, दीदी से मिला, मनमोहन जी से, और उनके मिलने के मुझे एक अलौकिक अनुभव भी हुआ। तो उसके बाद मैं धर्मशाला वापस आ गया और ध्यान में चलता रहा। 1992 में मुझे शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, रूमेथराइटिस की, जो कि क्रोनिक डिजीज है। तो कर्म भोग वो बहुत कड़ा था, तो योग के साथ वो कर्म भोग भी मैं भुगता रहा। 2 साल के बाद थोड़ा सा दवाई से उसमें थोड़ा असर हुआ, तो लगभग योग भी चलता रहा, कर्म भोग भी चलता रहा। तो 18 साल वो जो है वो भोगा, और ये जो क्रोनिक डिजीज है ये ख़त्म नहीं होती है, परंतु बाबा की ये कहें कि उसमें क्या कृपा थी कि वो बीमारी अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो अब मैं बाबा की सेवा में हूँ। जो भी आए यहाँ, जो धर्मशाला में आश्रम जो बना है, इसके निमित्त मुझे बाबा ने बनाया। तुम्हारी बड़ी बहन उमा बहन की प्रेरणा थी कि हमें ज़मीन ले दो, तो यहाँ मेरा संबंध वक्फ बोर्ड वालों से मित्रता थी, अच्छी थी, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पर हमें कोई प्लाट, तो खाली तो कोई नहीं था, एक प्लाट ये जो यहाँ पर ये आश्रम बना ये उसी टाइम वकेट हुआ था, तो उसके लिए तो बहुत लोग थे तैयार, परंतु बाबा की ऐसी ये थी कि वो लोग जो वक्फ बोर्ड के थे उन्होंने मेरे कहने से ये प्लाट दे दिया। तो यहाँ पर जब हमने काम लगाया तो यहाँ वो कहते हैं ना, स्थापना के कार्य में विघ्न बहुत पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े विघ्न आए। सारे ये मोहल्ला ही एक तरफ हो गया कि यहाँ पे आश्रम नहीं बनना देंगे, और उस वक्त मैं अकेला यहाँ पर था, पुलिस तक यहाँ आई, परंतु हम डटे रहे। और बाद में ऐसा हुआ कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो सहयोगी भी बन गए और ये आश्रम यहाँ पे तैयार हो गया। तो आज तक बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो जीवन की पीछे शुरू में जब 77 के 78 से जो भी बुराइयाँ चली थी सब छोड़ी, तो आज बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है। बाबा के साथ लगन है, अब जीवन की वैसे भी शरीर की भी अंतिम यात्रा है, तो हम कहते हैं कि ये यात्रा जो है बाबा की गोद में ही समाप्त हो। ओम शांति।